हेलो एवरीवन, दिस इज अमायरा. आई एम अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के. जी हाँ, बताएंगे आपको कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है. प्यार की सौगात लेकर के आया है या सेपरेशन दिखाएगा, पैसे की बरसात करवाएगा या फिर दाने दाने को मोहताज करवाएगा. चलिए बात करते हैं हमारी तीसरी राशि जो है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि. जेमिनी का अप्रैल का महीना क्या कुछ उनके लिए लेकर के आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी. तो जेमिनी कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं वो है द लवर्स, मोमेंट, मेडिटेशन, वेट, डोर टू वैल्यू, ट्रू लव, चूज अ न्यू डायरेक्शन. बात करें टैरो की तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्स एंड डेथ का कार्ड. तो क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में, है ना, अप्रैल के महीने में क्या कुछ होने वाला है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धन माया की, पैसे की, यानी कि मनी फ्लो जो है अप्रैल के महीने में कैसा रहने वाला है आपकी लाइफ में. तो कार्ड्स जो हमारे पास में आए हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. तो इट इज़ गोना बी अ वेरी बैलेंस काइंड ऑफ अ फ्लो. जितना जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है उतना पैसा आ जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लगे कि नहीं अरे मेरी तो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुई अभी तक, मैं खर्चे कहाँ से करूँ, तो भी कहीं ना कहीं से कोई भी सोर्स बने लेकिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. आपको जितने भी अमाउंट की ज़रूरत है वो पैसा आपको अप्रैल के महीने में उसका जो फ्लो है वो कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में बना रहेगा. लेकिन हाँ, कुछ एक केसेस में होते हैं, मैं बोलती हूँ कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि मैं बोलती हूँ अरे यार बिल्कुल, मैं बोलती हूँ कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा पैसे के मामले में, इतना पैसा आएगा, तो वो नहीं हो रहा है आपके केस में, आपके केस में. लेकिन जितनी ज़रूरत है आपको परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी पैसे को लेकर के. बात करते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है. कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं नाइन ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. काफ़ी ज़्यादा ना टायरिंग वाली सी सिचुएशन हो रखी है. मतलब या तो जो दो मैसेज मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं, पहला तो ये कि आप अगर जॉब करते हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब पे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, आप चेंज चाहते हैं. और अप्रैल के महीना कुछ ऐसा आ गया कि आप बिल्कुल ना ऐसी सिचुएशन है आपके सामने कि बस आपको लग रहा है बस ये महीना और, ये अप्रैल का महीना और मैं निकाल लूँ, उसके बाद मैं ना यहाँ से पेपर डाल दूंगा, यहाँ से आई विल लीव दिस जॉब. एक तो ये आपके दिमाग में बहुत चल रहा है. कुछ केसेस में ये भी है, ऑफकोर्स आपने कोई नया स्टार्टअप किया था, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया था, बट उसके अंदर उतनी ग्रोथ नहीं आई जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो यहाँ पर आप उस बिज़नेस को बंद करने के बारे में भी सोच सकते हैं. आप सिर्फ अप्रैल का मंथ होल्ड करोगे और मई लगते लगते आप इस बिज़नेस को भी पैकअप जो है यहाँ पर कर सकते हो. तो काफ़ी चैलेंजेस भरा मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो अप्रैल का महीना है वो रहने वाला है आपके करियर को लेकर के, आपके काम धंधे को लेकर के. अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की. तो यहाँ पर कार्ड्स हमारे पास आए हैं पेज ऑफ सोर्स एंड डेथ. हेल्थ को लेकर के मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल एकदम परेशान हो जाइए और चिंता में ही डूब जाइए कि ओ माई गॉड अप्रैल में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा. अप्रैल में जो कुछ भी होगा काफ़ी हद तक संभल जाने वाली सी सिचुएशन है, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है. बट छोटी मोटी चोट लग सकती है, ठीक है. एक्सीडेंट्स के यहाँ पे प्रोन में आप जो है इस महीने में बनेंगे. जैसे होता है कि बाहर निकले और अचानक से कोई गाड़ी में एकदम से मार के चला गया, आपको कुछ नहीं हुआ लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी डैमेज हो गई, है ना. तो यहाँ पर एक तो जो लोग सेल्फ ड्राइव करते हैं अप्रैल के महीने में, थोड़ा सा मैं बोलूँगी लंबे ट्रैवल जो है आपको अवॉइड करने हैं. आपने खुद जो है लंबा ट्रैवल नहीं करना है, ड्राइवर लेके जाइए, कैब से जाइए, कुछ भी कीजिए, पर कोशिश कीजिए कि आप लंबा ट्रैवल करना यहाँ पर अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह कि किसी की ऑलरेडी कोई सर्जरी भी जो है इस महीने रॉन्ग जा सकती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ तक भी हो सकती है, बिकॉज डेथ का कार्ड भी हमारे पास बहुत क्लियर आया है. और ये हेल्थ को लेकर के आ रखा है. तो यहाँ पर येस, हेल्थ इज़ अ कंसर्न. आपको हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. बात करते हैं आपकी लव लाइफ की. कार्ड आया हुआ है ट्रू लव. बोलूँगी वाओ जेमिनी, ये तो कमाल हो गया. दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. मैं जब ये मैसेज बोल रही हूँ आपके लिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, उस मोमेंट पे अगर कोई भी इंसान आपके दिमाग में हिट होता है और अगर आप करेंटली अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोलना चाहती है कि ये आपका सच्चा प्यार है, आपके साथ निभाएंगे और ये इनके साथ में आपके ना नेक्स्ट लेवल पे भी जाओगे. अभी तक हो सकता है सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कल को एक दूसरे को कमिटमेंट भी ऑफर करोगे, रोका भी होगा, शादी होने के चांसेस भी इनके साथ बन सकते हैं आपके. कुछ केसेस में ये मैसेज आ रहा है कि शायद शादी नहीं होगी लेकिन ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, धोखेबाज नहीं है, आपको चीट नहीं कर रहा. शादी नहीं कर सकता होगा या नहीं कर सकती होगी, तब भी ये आपको सच बोल करके चल रहे होंगे. फॉर श्योर आपकी लाइफ में आपको धोखा नहीं दे रहे हैं. मेरा पॉइंट यहाँ पे यही है कि धोखा नहीं दे रहे हैं. शादी माइट नॉट बी अ ट्रू डेस्टिनेशन फॉर दिस ट्रू लव, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं. अनदर गाइडेड जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए यहाँ पर हैं. डोर टू वैल्यू, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड वेट.
एंड दूसरा कार्ड यहाँ पर एक आ रखा है आपका मेन मैसेज जो है वो है लवर्स। तो यहाँ पे कुछ केसेस में बोल सकती हूँ स्पेसिफिकली कि आपके पास में चॉइस है, आपकी लाइफ में कोई दो इंसान है इस टाइमिंग पे और आपका दिमाग और दिल दोनों कंफ्यूज हो रखे हैं कि दोनों ही ठीक हैं अपनी अपनी जगह पे, किसको चूज किया जाए। तो दो पार्टनर्स के बीच में भी आप झूल रहे हो सकते हो, चांसेस आर वेरी हाई एंड दैट इज हाउ दिस डिफिकल्टीज कम। तो यहाँ पर भगवान ये भी बोल रहा है कि देखो चूज अ न्यू डायरेक्शन, काम को लेकर के स्टक फील कर रहे हो, लव लाइफ को लेकर के स्टक फील कर रहे हो, तो अप्रैल का महीना एक नई डायरेक्शन आपके लिए लेकर के आएगा। आपको कुछ ना कुछ और तीसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर दो रास्ते ट्राई कर चुके हो तो कुछ तीसरी बुद्धि लगानी है और अपना रास्ता ही बदलना है, डायरेक्शन बदलनी है, तो आपका जो रुका हुआ काम है ना वो बन जाएगा। डोर टू वैल्यू का कार्ड भी आया है, तो इसमें अच्छी चीज़ में बोल सकती हूँ कि आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। कि रेगुलर तो जितना आप अगर जॉब करते हो तो जितना, फॉर एन एग्जाम्पल आप 10,000 रुपये महीना अगर कमाते हैं तो आ तो 10,000 रुपये ही रहे हैं, लेकिन अचानक से मान लीजिए आपने कोई बीच में कोई काम करा दिया किसी का तो कमीशन के 1,00,000 रुपये आ गया अचानक। तो आप समझ रहे हो 10,000 रुपये कमाने वाने के लिए 1,00,000 रुपये अचानक से आना वो क्या है, बड़ा अमाउंट है और अचानक आया है। आकस्मिक यानी कि जो प्लान्ड नहीं था, आकस्मिक धन की प्राप्ति होना, उसके चांसेस भी आपके अप्रैल के महीने में बन रहे हैं। वेट, डोंट रश इन टू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी आपको अप्रैल के महीने में नहीं दिखानी है। जितना टाइम लगता है ना उससे एक, मैं बोलूँगी एक घंटा एक्स्ट्रा ही ले लेना, उसमें वक्त दीजिए, एक दिन ज़्यादा ले लो, लेकिन जल्दबाजी में अप्रैल के महीने में कोई काम मत करना, काम खराब हो जाएगा। जो अफर्मेशन आपको अप्रैल के महीने में यूज़ करनी है, जो मैसेज आपके लिए आया है वो है मूवमेंट मेडिटेशन का। आई सेलिब्रेट एंड ऑनर माई फिजिकल बॉडी थ्रू डांस एंड मूवमेंट। कुछ केसेस में यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि कुछ केसेस में कुछ लोगों को अपनी बॉडी से प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आप अपनी बॉडी से खुश नहीं हैं, हो सकता है आपको लगता होगा मैं ओवरवेट हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं दुबला हूँ, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कोई और भी बात हो जहाँ पर आप अपनी फिजिकल बॉडी से या अपनी फिजिकल अपीयरेंस से खुश नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको इस सोच को थोड़ा सा अपना लगाम देना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हम क्रिएट कर जाते हैं। आपको लगेगा कि अरे मैं बहुत मोटी हूँ, आप और मोटे होते चले जाओ, तो उससे अच्छा ये सोचो यार मैं पतली हूँ, क्या पता 2-4 किलो घट ही जाएंगे इस बहाने, है ना। तो पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो अफर्मेशन आपको हर महीने यूज़ करनी है अप्रैल के महीने में, जितना हो सके बार बार इसको बोलिए, आई सेलिब्रेट एंड ऑनर माई फिजिकल बॉडी थ्रू डांस एंड मूवमेंट। और डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। कलर की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर बोथ आर लकी फॉर यू। नंबर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नंबर 6 और नंबर 9, ये दोनों नंबर जो है आपके लिए लकी रहेंगे जेमिनी। तो ये था आपका मंथली टेरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।